की शुरुआत होते ही शुरू होते हैं नए ड्रामे। हर सीजन में अलग ही ड्रामा देखने को मिलता है, अलग ही कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। हर सीजन हर दूसरे सीजन से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है और उसी के साथ क्रिएट होते हैं सोशल मीडिया पर बज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं सलमान खान और रश्मि देसाई के रिश्ते के बारे में। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि सलमान खान पिछले 10 सालों से बिग बॉस के सीजन को होस्ट कर रहे हैं और उनका एक अलग ही अटैचमेंट देखा जाता है शो को लेकर। काफी बार वो गुस्से में इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें ये शो नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस भी उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें इस शो से जोड़े रखते हैं और वो हर बार इस शो के लिए हाँ कर देते हैं। तो एक बड़ा रीजन उनकी फीस भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो इस शो से कहीं ना कहीं इमोशनली भी अटैच है। तो वही वो इस शो से जितने ज्यादा अटैच है तो हर सीजन में वो किसी ना किसी घरवाले से भी अटैच हो जाते हैं। जी हाँ, बिग बॉस के हर सीजन में जहां एक तरफ सलमान खान को किसी का एंटरटेनिंग अंदाज पसंद आता है तो किसी का अग्रेशन पसंद आता है तो किसी का लड़ाई झगड़ा पसंद आता है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए हर सीजन में ये देखा गया है कि सलमान खान जो है किसी ना किसी एक कंटेस्टेंट से इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं और उसे गाइड करने की कोशिश करते हैं, उससे चीजें सही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ जुड़ाव सीजन 13 में सलमान खान का रश्मि देसाई के साथ देखा जा रहा है। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कैसे इन दोनों का रिश्ता बेहद ज्यादा खास है। बिग बॉस के हर सीजन का इंतजार बिग बॉस के फैंस को बड़े ही बेसब्री के साथ रहता है और ऐसे में बिग बॉस सीजन 13 जो ऐसा माना जा रहा है कि अब तक का सबसे ज्यादा टीआरपी क्रिएट करने वाला सीजन बन गया है। जी हाँ, इस सीजन में जितनी ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं उतने ही ज्यादा विवाद भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं हर साल ये देखा जाता है कि सलमान खान का एक ऐसे कंटेस्टेंट के साथ इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर हो जाता है, जहां सलमान खान को शो में किसी का एंटरटेनमेंट वाला अंदाज पसंद आता है तो किसी का लड़ाई झगड़े वाला पसंद आता है। तो वहीं एक कंटेस्टेंट ऐसा होता है जिससे सलमान खान इमोशनली अटैच हो जाते हैं और इस बार बिग बॉस के घर में हमें वो कंटेस्टेंट दिखाई दे रही है रश्मि में। जी हाँ, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं और अपनी कई रिपोर्ट्स में हम आपको इस बारे में बता चुके हैं कि रश्मि और सलमान खान एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। आज से तकरीबन 9 से 10 साल पहले उन्होंने एक एड फिल्म में साथ काम किया था। उसके बाद रश्मि उनकी फिल्म दबंग 2 में भी नज़र आई और कई बार वो छोटे छोटे शोज में सलमान खान के साथ नज़र आ चुकी हैं। सलमान खान और रश्मि की अटैचमेंट को इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि जब सलमान खान को अरहान की बात बतानी थी, अरहान की सच्चाई बतानी थी, तो सलमान खान ने शो की गाइडलाइन से हटकर रश्मि को शो के बाहर की सारी बातें बताई थी और जब घर के अंदर रश्मि पूरी तरीके से टूट गई थी तो वो सलमान खान ही थे जो रश्मि को खुद सपोर्ट करने के लिए खुद चलकर घर के अंदर आए थे। रश्मि को उन्होंने गाइड किया, मोटिवेट किया और शो में बने रहने और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहने की सलाह भी वो देकर गए थे और समय समय पर रश्मि को बेशक डांट के सहारे लेकिन वो ऐसी बात कह जाते हैं जिससे रश्मि देसाई खुद पॉजिटिव महसूस करती है और शो में उनका व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें तो रश्मि देसाई के चाहने वाले भी कम नहीं हैं। रश्मि देसाई के चाहने वाले, उनके फैंस उन्हें ये कह रहे हैं कि वो एक शो की विनर है। इस शो में अगर कोई जीतने लायक है तो वो है रश्मि देसाई। हर कोई
उन्हें पसंद कर रहा है, उनके फैंस का ये मानना है कि वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। इसी के साथ जिस तरीके से सलमान रश्मि को चीज़ें समझाते हुए नज़र आते हैं तो वो अंदाज भी फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जहां एक तरफ सलमान खान का जुड़ाव रश्मि के साथ देखा जाता है तो वहीं एक स्पेशल बॉन्ड तो आरती सिंह के साथ भी देखा जाता है सलमान खान का। जी हां, आपको बता दें कि कई बार कई एपिसोड में ये देखा गया है कि सलमान खान आरती सिंह को गाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सही चीजें बताने की कोशिश करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो सलमान खान ही है जो आरती को कॉन्फिडेंट बनाए रखते हैं। जब स्टार्टिंग में आरती का कॉन्फिडेंट लूज हो रहा था, हर कोई उन्हें वीक कंटेस्टेंट मान रहा था, तो सलमान खान ही थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया और उन्हें शो में आगे बने रहने की बात बताई थी। और कैसे वो इस शो में निखर कर सामने आ रही है वो तो हर कोई जानता है। आरती का गेम भी कई लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कैसे आरती और सलमान के रिश्ते खास हैं। तो वहीं इस शो में सलमान खान का स्पेशल अट्रैक्शन आरती सिंह के साथ भी देखा जा रहा है। जी हाँ, आरती सिंह अभी फैमिली वीक चल रहा है और हर किसी के घर से आए व्यक्ति ने आरती सिंह की तारीफ जरूर करी है। ये तो मानना होगा कि आरती सिंह कहीं ना कहीं इस गेम में अच्छे से निखर कर सामने आई। जहां वो स्टार्टिंग के दिनों में दबी दबी रहती थी, छुपी छुपी रहती थी, तो वहीं अब आरती जो है इस गेम में निखर कर सामने आ रही हैं। और एक खास रिश्ता सलमान के खान के साथ उनका भी देखा जाता है। जी हां, कहीं ना कहीं सलमान खान हमेशा आरती सिंह को गाइड करते हुए नज़र आते हैं और इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि आरती सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री के गोविंदा की भांजी हैं। और इस बात को तो हर कोई जानता है कि एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती थी। जी हाँ, दोनों बेस्ट फ्रेंड के तौर पर जाने जाते थे और दोनों के बीच में आज भी रिश्ता बहुत गहरा है। तो कहीं ना कहीं आरती को सपोर्ट करने के पीछे, आरती को मोटिवेट करने के पीछे और आरती को गाइड करने के पीछे एक ये वजह भी हो सकती है क्योंकि आरती गोविंदा की भांजी है। खैर, बात करें अगर आरती के फैंस के बारे में तो आरती सिंह के फैंस भी कुछ कम नहीं है। आरती सिंह के फैंस उन्हें कह रहे हैं कि आरती इज़ द बेस्ट, वो एक अच्छी इंसान है और उनके खेल को उनके फैंस पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि आरती अपनी चीची मामा यानी कि गोविंदा के बेहद ही करीब हैं और कई लोग आपको बता दें कि आरती को सपोर्ट कर रहे हैं, आरती के खेलने के अंदाज को पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें आप लोगों को कि इस गेम में आरती का व्यक्तित्व निखर कर सामने आया। इस गेम से शायद आरती को अब अपनी असली पहचान मिली है। आज तक वो अपने भाई कृष्णा और मामा गोविंदा की वजह से जानी जाती थी, लेकिन जब वो इस गेम से बाहर निकलेंगी तो उनकी अपनी एक पहचान होगी। अगर देखा जाए, आप डेली के व्यूअर्स हैं, बिग बॉस देखने वाले हैं, बिग बॉस के फैंस हैं, तो आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरती और रश्मि के साथ सलमान खान का बॉन्ड तो है। जी हाँ, ये दोनों ऐसी कंटेस्टेंट है जो बड़े ही स्ट्रांगली तरीके से बिग बॉस के शो में उभर कर सामने आ रही है। तो वहीं कहीं ना कहीं बैक फ्रंट से ही सही, लेकिन सलमान खान इन दोनों का सपोर्ट जरूर करते हैं। आरती सिंह को जहां वो गोविंदा की वजह से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, तो लेकिन अब आरती सिंह भी अपने गेम को निखर कर खेल रही हैं, वो सबके सामने आकर चीजें बोलती हैं। तो वहीं रश्मि के साथ तो उनका एक अलग बॉन्ड है ही। 9-10 सालों से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ इन्होंने कई बार स्टेज शेयर किया है, काम किया है, तो एक स्पेशल अट्रैक्शन तो रश्मि की तरफ सलमान का देखने को ही मिलता है। और हर कोई ये बात समझ सकता है कि जब अरहान का केस हुआ था तो सलमान खान कैसे खुद घर में आए थे रश्मि को सपोर्ट करने के लिए। तो इन दोनों लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं सलमान खान का स्पेशल बॉन्ड तो है ही। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए
देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, रश्मि और आरती को लेकर आपकी क्या सोच है, आप किसे विनर के तौर पर देखते हैं, इस बारे में कमेंट जरूर करें।